मध्य प्रदेश के इतिहास में हमारे पुलिस कर्मियों को अभी तक इतने राष्ट्रपति पुरस्कार नहीं मिले थे जितने इस बार मिले हैं। तिरंगे की शान को घर घर पहुंचाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री का बहुत बहुत आभार। आज भोपाल में ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा निकलने वाली है। जिस प्रकार से जोश, उमंग, उत्साह दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है कि अभी तक के सारे रिकॉर्ड ये यात्रा तोड़ेगी। हर जगह, हर स्थान पर, क्या बच्चा, बूढ़ा, जवान, युवा, महिला, किसान, हर एक के हाथ में तिरंगा है। चारों तरफ तिरंगा ही तिरंगा नजर आ रहा है। 15 अगस्त के पूर्व दिवस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तिरंगा यात्रा निकालकर उन लोगों को याद किया जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आजादी के लिए अपनी शहादत दी। इस दिन देश ने विभाजन का दंश भी झेला था। मोहन यादव ने बताया कि आज देश का हर नागरिक स्वतंत्रता की याद में तिरंगा हाथ में लेकर बहुत ही गर्व महसूस कर रहा है। वहीं सीएम मोहन यादव ने आगे क्या कुछ कहा, देखिए वीडियो। आज भोपाल में हमारे विधानसभा के यशस्वी विधायक पूर्व प्रोटेम स्पीकर श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी की विधानसभा में तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज भोपाल में ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा निकलने वाली है। जिस प्रकार से जोश, उमंग, उत्साह दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है कि अभी तक के सारे रिकॉर्ड ये यात्रा तोड़ेगी। आजादी के पूर्व दिवस के अवसर पर निकलने वाली इस यात्रा में हम सब संकल्प करें, विभाजन की विभीषिका का दंश सहन करते हुए जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी है, उन सबको भी हम जीवन भर न भूलें और भारत की जीवन में ऐसा कभी कोई दिन ना आए कि ऐसी घटना दोबारा हो। तिरंगे की शान को घर घर पहुंचाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री का बहुत बहुत आभार। पूरा देश तिरंगा अभियान में लगा हुआ है, तो मध्य प्रदेश सरकार भी हर जन जन, हर कार्यकर्ता, हर विधायक, हर सांसद के साथ इस पूरे अभियान में साथ है। मेरी अपनी ओर से मध्य प्रदेश वासियों को, देशभक्तों को आजादी के पूर्व दिवस की बहुत बहुत बधाई और इस यात्रा के प्रति भी मेरी कोटि से शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री जी का जो विजन रहा है उसके हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश जो है वो हर क्षेत्र में आगे रहा है, अव्वल रहा है पूरे देश में। तिरंगा यात्रा की सफलता को लेकर के मध्य प्रदेश में कितने आशा? मैं जैसा ये बता रहा है, जिस प्रकार से जन सैलाब उमड़ा हुआ है चारों तरफ से, जहां से मैं आ रहा हूं मुझे रोड बदलना पड़ा। हर जगह, हर स्थान पर, क्या बच्चा, बूढ़ा, जवान, युवा, महिला, किसान, हर एक के हाथ में तिरंगा है। चारों तरफ तिरंगा ही तिरंगा नजर आ रहा है और देशभक्ति का जो जज्बा जगा है, मैं उम्मीद करता हूं परमात्मा करे किसी की नजर न लगे, लेकिन ये जज्बा कायम रहे और हम देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने में लगातार संकल्प है। कि बंटवारा में कुछ अच्छे इलाके दूसरे को मिल गए, इसका क्या तात्पर्य? विभाजन की विभीषिका का दंश हम याद कर रहे हैं, तो उस समय की घटनाओं को दोहराने से हम दोबारा ऐसी घटना न घटे इसका संकल्प करें और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़े, ये भी संकल्प। ओबीसी ने ट्वीट कराया था बीजा मंडल को लेकर, ओबीसी ने ट्वीट कराने था। अरे इस यात्रा की बात करो भाई, एक जानकारी आपको जरूर देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश के इतिहास में हमारे पुलिस कर्मियों को अभी तक इतने राष्ट्रपति पुरस्कार नहीं मिले थे जितने इस बार मिले हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे प्रशासनिक क्षेत्र के सभी विभागों ने अपना काम किया है और वीरता, शौर्य, बहादुरी के लिए इतने पदक मिलना ये पुलिस के लिए भी गर्व की बात है और सरकार के लिए भी गर्व की बात है। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, जिसकी दृष्टि तिरछी है वो दुनिया तिरछी देखेगा। हम उनके लिए भी सद्बुद्धि की कामना करें।